प्रभु श्री राम का द्वापर प्राण प्रतिष्ठा हो। नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे। राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे राहुल बाबा, पिछोर से मैं तिथि बता देता हूँ, 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में होने वाली। एक कांग्रेस पार्टी की सरकार विकास विरोधी सरकार है। जो पहले सरकार थी 15 महीने यहाँ शहर या जनजाति को 1,000 रुपया मिलता था, वो बंद कर दिए। बताइए भैया, मीडिया वाले जरा बैठ जाओ, नीचे बैठ कर करो, वो काला शर्ट आप भी बैठो, आप भी बैठे, यहाँ नहीं लगे। 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया या नहीं लगाया? निवेदन है कि कमल के निशान पर बटन दबाइए। 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे। मोदी को विधायक बनाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, भारत माता की। क्यों भाई, पिछोर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग गैलरी में बैठे हैं, वो भी सामने बैठे हैं, वो भी उठाएं और विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजू बाथम जी, हमारे पूर्व वरिष्ठ विधायक श्री भैया साहब लोधी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ये हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और विधायक प्रीतम लोधी जी, और आज यहाँ पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले बगीचा वाले हनुमान जी विजयासन माता के मंदिर को शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महान क्रांतिकारी महाराजा खलक सिंह जुदेव और बुंदेला शासक राजवीर ऋषभदेव सिंह को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, हो गया, बैठ जाओ भाई और बहनों। वैसे पूरे देश भर में दिवाली का त्योहार मनता है, मनता है या नहीं मनता है? दीपावली देश में साल में एक ही बार मनती है ना, कितनी बार मनती है? मगर मध्य प्रदेश में इस बार 3 बार दीपावली मनने वाली है, 3 बार। पिछोर वालों ताली बजा देते हो, मगर कैसे मनेगी मैं बताऊं? बताओ तो, पहली बार दीपावली के दिन हम सब ने दीपावली बनाना है, दूसरी बार 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब दीपावली मनाना है, और तीसरी बार 22 जनवरी को रामलला का मंदिर में भव्य प्रतिष्ठा हो तब मनाना है। 22 जनवरी को 550 साल के बाद
इच्छा थी कि प्रभु श्री राम का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो। नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। पिछोड़ वालों, हम भाजपा वालों ने बहुत ताने खाए हैं। ये राहुल बाबा जानते हो ना, जानते हो या नहीं जानते हो, ये राहुल बाबा 2019 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हर सभा में कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे राहुल बाबा, आज पिछोड़ से मैं तिथि बता देता हूँ, 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में होने वाली है। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटकाया, लटकाया, भटकाया। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और अब प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की सरकार विकास विरोधी सरकार है। जो पहले सरकार थी 15 महीने यहां शहर या जनजाति को 1,000 रुपया मिलता था, वो बंद कर दिया। और सिकल सेल एनीमिया का मिशन जो चलता था वो भी आदिवासियों का बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सारी की सारी योजनाओं को फिर से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमेशा हमेशा देश विरोधी ताकतों का समर्थन करती है। मुझे बताइए भैया, मीडिया वाले जरा बैठ जाओ, नीचे बैठ कर करो जो करना है। वो काला शर्ट आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। मुझे बताइए, पीएफआई जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? मोदी जी ने सिमी जैसे संगठन पीएफआई को प्रतिबंध लगाकर समाप्त कर दिया और एक कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती थी। जाकिर नाइक जैसे आतंकवादी को मैसेंजर ऑफ पीस कहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हिंदू नेताओं पर भगवा आतंकवाद का केस बनाने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। और पिछोड़ वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 सालों से धारा 370 को अनोरस संतान की तरह गोदी में पालती थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, आतंकवाद बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 10 साल तक चली सोनिया मनमोहन की सरकार, हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, भारत में घुसकर बम धमाके करते थे। मगर मनमोहन सिंह की सरकार कुछ नहीं करती थी, मौनी बाबा चुपचाप बैठे रहते थे। आपने मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान को आदत लगी थी फिर से उरी और पुलवामा में गलती कर दी। मोदी जी ने
पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, भाई आने दो, आने दो भाई, सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करती रही। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में 93 लाख किसानों को हमारी डबल इंजन सरकार ने 12,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3,70,00,000 मध्य प्रदेश के गरीबों को 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज हमारी डबल इंजन सरकार उठा रही है। 80,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाया। 5,00,00,000 गरीबों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 82,00,000 गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देकर उनके घर को धुएं से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। गांव में 36,00,000 और शहर में 7,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया। और पिछोड़ वालों, हजारों की संख्या में खड़े हो, मुझे बताओ सबके दोनों कोरोना के टीके लगे हैं या नहीं लगे, जरा हाथ ऊपर कर बताओ लगे या नहीं लगे। 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया या नहीं लगाया? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को टीका लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। और ये राहुल बाबा कोरोना का टीका का विरोध कर रहे थे और कहते थे मत लगाइयो, ये तो मोदी टीका है, मगर उनकी कोई देश में सुनता नहीं है। सबने टीका लगाया, फिर एक दिन अंधेरे में जाकर वो खुद भी टीका लगाकर आ गए। भाइयों और बहनों, कोरोना जैसी महामारी में भी जो राजनीति करते हैं वो दल को मध्य प्रदेश में शासन करने का अधिकार नहीं है। मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। शिवराज जी की सरकार 16% से अधिक आर्थिक विकास प्राप्त किया है। 5,00,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है और 1,36,00,000 लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी है, उनका काम केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर बिठाना है। केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और यहां कमलनाथ है, उनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए राजनीति में हो वो देश का और मध्य प्रदेश के गरीबों का भला नहीं कर सकते, वो केवल और केवल घोटाला करने का काम कर सकते हैं। माताओं, भाइयों और बहनों, आपको निर्णय करना है कि करप्शन नाथ की सरकार चाहिए या गरीब कल्याण करने वाली सरकार चाहिए।
कांग्रेस का 2G घोटाला करने वाली सरकार चाहिए या मोदी जी की 5G की गति देने वाली सरकार चाहिए, वो आपको तय करना है। पॉलिटिक्स ऑफ परिवार चाहिए या पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, वो आपको तय करना है। माताओं, भाइयों और बहनों, मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाया, नई पार्लियामेंट बनाई, देश में कर्तव्य पथ बनाया, पार्लियामेंट के अंदर सिंगोल स्थापित किया, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, नया केदारधाम बद्रीनाथ का परिवर्तन किया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। माताओं, भाइयों और बहनों, आपका एक वोट केवल हमारे प्रीतम लोधी को विधायक नहीं बनाएगा, आपका एक वोट मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने वाला वोट है। आपका एक वोट 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का वोट है। अतः मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि कमल के निशान पर बटन दबाइए। 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे? प्रीतम लोधी को विधायक बनाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।